नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अमित शनॉय और मेरे प्रॉपर्टी फर्म का नाम है एक्टिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन। जैसा कि आप जानते हो, मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ और ठाणे शहर में पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत जरूरी घोषणा। 1 अप्रैल 2022 से मुंबई में घर खरीदने पर स्टैम्प ड्यूटी 5% से बढ़कर 6% होने वाली है और ठाणे शहर में ये 6% से बढ़कर 7% होने वाली है। आसान शब्दों में बताऊं तो ठाणे में अगर हम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे थे तो पहले अगर हम स्टैम्प ड्यूटी 6 लाख भर रहे थे तो अब हमें 7 लाख भरना होगा। और एक बुरी खबर है प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए, क्लोज रिलेटिव्स में आज तक गिफ्ट करने पर प्रॉपर्टी पे केवल 200 रुपया स्टैम्प ड्यूटी लगता था, अब ये भी बढ़कर 1% होने वाला है। आसान शब्दों में समझाओ तो अगर मेरे पिताजी मुझे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हैं तो पहले उन्हें 200 रुपया स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता था, बट 1 अप्रैल के बाद उन्हें 1 लाख रुपया स्टैम्प ड्यूटी भरना होगा। इस न्यूज का सोर्स है हिंदू बिजनेस लाइन 20 जनवरी 2022 की न्यूज़पेपर, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुंबई और ठाणे में कोविड के समय राज्य प्रशासन ने स्टैम्प ड्यूटी को 3% से कम कर दिया था और तभी कई होशियार लोगों ने अपने आप के लिए घर और प्रॉपर्टी खरीद ली थी। राधा किशन दमानी जी, जो कि डीमार्ट के ओनर है, उन्होंने कोविड के समय 1000 करोड़ का घर लिया था और 30 करोड़ की स्टैम्प ड्यूटी बचा ली थी। 30 करोड़, इसमें तो ठाणे में 3 बंगलो आ जाएंगे दोस्तों। तो अब हमें क्या करना चाहिए? एकदम सिंपल सी चीज है, 31 मार्च 2022 तक अपने पास टाइम है तो इस टाइम तक अपने को अपने लिए घर खरीदना चाहिए। और अगर आपने कोई गिफ्टिंग के ट्रांजैक्शन को रोक के रखा हुआ है तो उस पर दोबारा से ध्यान दीजिए। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आज के चलते हुए हालातों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट एक GR नोटिफिकेशन लेके आके इसको माफ कर दे, या फिर बिल्डर, कंज्यूमर इनके सुझावों को लेकर इस पर्टिकुलर डिसीजन को रद्द कर दे। अगर ऐसा हुआ तो घर और प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए एक बहुत अच्छा न्यूज है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो बेहतर है कि हम इसको मद्देनजर रखते हुए अपने डिसीजंस के ऊपर काम करने को शुरू कर दें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अब तक अच्छा लग रहा है और आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हो ऐसे कई और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल को क्लिक कीजिए। अगर आपको कोई सवाल हो तो मुझे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक दूसरे एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय ठाणे।